हेलो एवरीवन, तो अभी कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ये गाड़ी हमें लेने के लिए आ चुकी है। एक डॉलर में जो हमें मैंने डील बताई है, डील मत छोड़ना, बेस्ट ऑप्शन है। मैं हूं बंसल साहब और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा बेहद थका देने वाले 6 कंट्रीज के सफर पे, जिसकी शुरुआत मैंने आज दिल्ली एयरपोर्ट से की है। काफी पूछताछ होने के बाद फाइनली मैं अपनी फ्लाइट लेने के लिए तैयार। ये जो फ्लाइट है ये है एयर अस्ताना, जो मैंने बुक की 9,500 रुपए में, जो मुझे रशिया छोड़ेगी विद 24 आवर्स कजाकिस्तान स्टॉप आवर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग टिकट प्राइस में हमें ये सारी अमेनिटीज एयरलाइन की तरफ से मिलती हैं। फ्लाइट काफी आरामदायक रही। और मैं थोड़ी सी नींद के बाद कजाकिस्तान पहुंच गया। हेलो एवरीवन, तो अभी कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ये गाड़ी हमें लेने के लिए आ चुकी है। ये है वैन फ्रॉम रमाडा होटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टॉप ओवर हॉलीडेज के बारे में। सो, पहले होटल पहुंचते हैं, उसके बाद बात करते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सारा प्रोसेस। ये रहा एयरपोर्ट, तो अभी एयरपोर्ट से निकले हैं रमाडा होटल के लिए। फर्स्ट स्टॉप यार, यहाँ का व्यू, ओह माय गॉड, अगर कभी वीज़ा होंगे बहुत ही ईजी है। जो आप मान लीजिए दिल्ली से कहीं से भी फ्लाई करते हैं, जब आप एयरपोर्ट में आप उतरेंगे, जस्ट उनको अपना पासपोर्ट देना है, अपना बोर्डिंग पास देना है जो यहाँ का है, और उनके पास एक ऑटोमेटिकली लिस्ट आई होती है। जब आप वहाँ से निकलते हैं ना, दिल्ली से मान लीजिए, दिल्ली से या बॉम्बे से कहीं से भी आपकी फ्लाइट है, तो वहाँ पर आपका जैसे पता होता है उनको कि यहाँ पे उनका ट्रांसफर होने वाला है, तो वो यहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आपकी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं होती, बस उनको पासपोर्ट देना और बोर्डिंग पास देना है और ट्रांसफर वीज़ा ईजिली मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया था वांडा होटल बुकिंग करने का, उसका सारा प्रोसेस मैं आपको वैसे ऑनलाइन समझाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं रमाडा, जिसका एयर अस्ताना के साथ टाइप है, तो एयर अस्ताना की तरफ से उसको बुक कर रहा हूँ। उसके बुकिंग के साथ जाके तो जो वैन है ये होटल की तरफ से हमें लेने के लिए आई थी, मैं ये भी इंक्लूडेड है, ये ट्रैवल और होटल और ये कैब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और जब आपकी फ्लाइट आप यहाँ से डिपार्ट होगी, तो आप उनको छोड़ने के लिए भी आएगी वो होटल। इसमें क्या फॉर्म है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कौन सी जगह से मतलब हमें ये सुविधा मिलती है, मैं आपको इसको डिटेल दूंगा। बाकी बात करते हैं जल्दी पहुँच के। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -5 चल रहा है और मुझे एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में 25 मिनट का टाइम लगा। ये हमारे होटल का आउटर व्यू, अभी जस्ट अभी एंटर हुए हैं होटल में, देखते हैं अभी चेक इन लेते हैं और देखते हैं रूम कैसा है, पहले चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। ये हमारे होटल का इनर व्यू, इस समय बज रहे हैं सुबह के 9। यहाँ का स्टाफ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे कि होटल की पॉलिसीज होती हैं
कि चेक इन का टाइम 12 या 1 बजे तक होता है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। उन्होंने कहा अगर आप अभी चेक इन लेना चाहते हैं तो आपको हाफ ऑफ द डे पेमेंट करना पड़ेगा, और जो बैग्स थे हमने स्टोरेज रूम में रख दिए। हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। Approximately 10 hours later. Hello everyone. तो अभी मैं सो के उठा हूँ रूम से, अभी जा रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा है मेगा मॉल है, तो वहाँ मेगा मॉल में जा रहे हैं। ये सारा यहाँ के स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया रूम, और ये बाहर का सारा, इधर से है रूम्स और इधर से है रूम्स, और ये यहाँ पे लिफ्ट है तीन। मतलब अगर फाइव स्टार कहा गया है ना, तो वाकई में फाइव स्टार फीलिंग भी है भाई, देखने वाली चीज़ है। अभी जा रहे हैं मेगा मॉल। मेगा मॉल में जाके मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लेना है कैमरा के लिए माइक देखना है, और साथ में और देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो अभी मैं होटल के बाहर आ चुका हूँ, और रिसेप्शन पे भाई साहब मैंने उनसे सारा पूछ लिया है। यहाँ पे मेगा मॉल जैसे कि दो थे, एक तो बड़ा है और एक छोटा है, तो मेरा तो ये छोटे में भी काम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैंने पूछा, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ पे भी हैं। तो वहाँ पे जाएंगे अभी सबसे पहले मेगा मॉल में, और उसके साथ ही मैं पता चला ताज़ा न्यूज़ में कि वहाँ पे बर्गर किंग भी है। सो सुबह से कुछ खाया नहीं था, और एक्चुअली यहाँ पे नई जगह पे आके चाहे आपको वेजिटेरियन मिले, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास ही नहीं होता वेजिटेरियन है या नहीं है। तो पहले करेंगे शॉपिंग, फिर चलते हैं बर्गर किंग, उसके बाद यहाँ पे व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट क्लब, बारकोड। यहाँ रमाडा में अगर आप आ रहे हो रमाडा में, तो यहाँ पे बिल्कुल पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, मेट्रो स्टेशन के पास में है, क्लब का नेम है बारकोड। तो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, जैसे रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, तो मतलब उसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया, रेकमेंड किया कि आप बारकोड में जाइए। तो अगर टाइम मिला तो जाएंगे ज़रूर, नहीं तो पहले मेगा मॉल चलते हैं। यार होटल देखो आप दूर से, क्या रात में व्यू है। वैसे इस होटल के बिल्कुल साथ ही में ये मिनी मार्केट भी है, अगर खाने पीने कुछ चाहिए, पेट्रोल स्टेशन है और उसी में मिनी मार्केट बनी हुई है। सो लोकेशन बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। पता नहीं मेरा फेस साफ आ रहा है या नहीं आ रहा, काफ़ी अंधेरा है, और कैसी अब लग रही है क्वालिटी वीडियो की वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कि पहले मैं जो बनाता था वीडियोज़ वो स्मार्टफोन में बनाता था, अभी मैंने चेंज किया है, तो कैसा रिजल्ट आता है। पहले मैं चलता हूँ मेगा मॉल, वहाँ पे जाके आपको वीडियोस दिखाता हूँ, क्योंकि इतना लंबा रास्ते में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले पहुँचते मेगा मॉल, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है चीज़ें और क्या है प्राइसेस यहाँ के, रशिया से ये चीप पड़ता है या रशिया ज़्यादा चीप है। क्योंकि अगर देखा जाए खाने पीने में, और जैसे कि हमने मॉर्निंग में थोड़ा यहाँ पर सामान वगैरह लिया था, तो मुझे बड़ा चीप लगा। बियर प्राइस 42 रुपीज़, इंडियन 42 रुपीज़ भाई, वो भी बिग कैन कॉल्सबर्ग का। तो सीरियसली इट वॉज अ ग्रेट डील। सो मेगा मॉल चलते हैं, देन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो भाई साहब मतलब रमाडा से जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग पे ही है मेगा मॉल। तो अभी अंदर चलते हैं, वो देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, और मेरे माइक का देखते हैं कैमरे में अगर माइक मिल जाए। अभी मेरी आवाज़ जैसे क्लियर नहीं आ रही, आपको नेक्स्ट व्लॉग में या इसी व्लॉग के कुछ देर बाद में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी तरह की वैरायटी है।
लेकिन अफसोस मुझे मेरा माइक नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे आया यार, मेरे को माइक नहीं मिल पाया। मुझे माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन माइक नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो मुझे ना एक्चुअली हमने जैसे मॉर्निंग से आए थे तो कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे अंदर पूरा ऊपर ना फूड कोर्ट बना हुआ है थर्ड फ्लोर पे। तो वहाँ पे आप जैसे बर्गर किंग हो गया, पिज़्ज़ा हट था, डोमिनोज हो गया, KFC और मैकडोनल्ड्स, तो मतलब काफ़ी वैरायटी है। तो यहाँ पे आप खा सकते हो, प्राइजेस भी बड़े सही थे। हमने जैसे कि मैंने एक मील ली अप्रॉक्सीमेटली 280 रुपीज़ की, जिसमें नगेट्स थे जो मैंने ऐड ऑन करवाए थे, साथ में चिकन बर्गर विद लार्ज कोक एंड लार्ज फ्राइज। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब प्राइसेस वगैरह भी हैं। अभी भी मैं देखो मतलब मॉल के बाहर ही हूँ, रात के अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 बज चुके हैं। तो अभी जा रहे हैं होटल की तरफ वापस। एक बात और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया, ये है मेरे भाई साहब, मेरे फ्रेंड। कहाँ से हो भाई? जलंधर से। मैं लुधियाना से, आपको सबको पता ही है ये जलंधर से हैं। तो पहले भी हम मतलब कि सिंगापुर में मिल चुके हैं, क्योंकि ये सिंगापुर में स्टडी वगैरह करके वापस आए हैं। ला 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 ला। सिग्नल ग्रीन हो गया भाई, ये देखिए। तो अभी जा रहे हैं होटल की तरफ, जस्ट यहाँ से 5 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर भी नहीं मैं कह सकता। पेट हो गया फुल। अभी मेरी जो मॉर्निंग में फ्लाइट है 6:45 पे, और हमारी होटल से जो पिकअप है वो है 3:55 पे। तो $1 में जो आपको मैंने डील बताई है, ये डील मत छोड़ना, बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ पे आ रहे हैं, आते ही आपको गाड़ी लेने आ जाएगी एयरपोर्ट पर, पहुँचते ही आपके बाहर ना बोर्ड लेके खड़े होंगे। जब यहाँ पे पहुँचे सबसे पहले मेरा नाम ही था, बोर्ड लेके खड़े होंगे, उसके बाद सीधा होटल में छोड़ेंगे आपको। चेक इन लो, लोकल घूमो, मतलब रमाडा जो होटल है ना, इसमें 7 से 8 होटल्स की मतलब कि ऑप्शन आती है, कोई भी होटल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रमाडा की जो लोकेशन है वो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। उसके पास में आपको खाने के लिए, जैसे ये मेगा मॉल है, यहाँ पे एक बड़ा मेगा मॉल भी है, ठीक है। अगर वहाँ पे जाना है तो रमाडा से, उन्होंने वैसे मैप में समझाया था, लेकिन इतना ना तो टाइम है और ना ही इतनी हिम्मत है, क्योंकि हम पीछे 1.5 दिन का अप्रॉक्सीमेटली सफ़र करके आए हैं, थके भी हुए थे। मैं तो पहले सो गया और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी आने की। फिर मैंने सोचा यार ये आज का दिन तो हूँ, कम से कम इतना तो करें कि मान लीजिए अगर आप में से कोई भी आता है तो कम से कम खाने का तो हो जाए ना, क्योंकि हमने भी मॉर्निंग से आए कुछ नहीं खाया। पहले हम इधर उधर वहाँ पर मार्केट में घूमते रहे होटल के पास में, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए पहली बात तो ये नहीं पता चलता कि वेज है या नॉन वेज है। और लैंग्वेज का तो आप माशाल्लाह पूछो ही मत, लैंग्वेज का किसी को नहीं पता चलेगा, इंग्लिश का कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पे भी मॉल में भी कुछ नहीं पता चलता, बस ये इशारों में समझाना पड़ता है। और जैसे ये मॉल में आ गए, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है, इंटरनेट कनेक्ट करो, ट्रांसलेट करो और उनको समझाओ, दैट्स इट। बाकी सिटी बहुत अच्छी है, बड़ी साफ है, क्लीन है। और जैसे जब हम वापस आ रहे थे एयरपोर्ट से, सॉरी होटल में आ रहे थे, तो वहाँ पे सड़क के साइड में जैसे बर्फ़ जमी हुई थी, तो मतलब इतना अच्छा व्यू लग रहा था ना यार। और सामने बिल्कुल ये जो अलमाटी जगह है ना, कजाकिस्तान के जो मतलब ये हिली एरिया एक तरह का, पहाड़ वगैरह काफ़ी पास में ही है। यहाँ पे जैसे राफ्टिंग वगैरह काफ़ी मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अगर आपके पास दिन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। हमारे पास तो सिर्फ एक दिन भी कैसा, आधा दिन था, आधी रात है, तो रात में तो वैसे ही कहीं जाने का कोई टाइम नहीं है। अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ, आधा रास्ता तो मैं बात करते करते हो गया। अभी ऐसे करते हैं, मैं होटल में जाता हूँ और रूम में जाके आपको थोड़ी सी डिटेलिंग देता हूँ कि क्या है यहाँ का प्रोसीजर और कैसे यहाँ से मतलब A to Z हर एक तरह की बारीक से बारीक डिटेल आपको मैं देता हूँ। पहले चलते हैं होटल, फिर आराम से बात करते हैं। तो अभी मैं लिफ्ट से आ गया हूँ ऊपर, मेरा रूम नंबर है 421। ऐसे करके आपको ना एक कार्ड मिलेगा, ब्रांडिंग भी साथ में रमाडा, ये कार से एंट्री है 421 फेरा। इसमें SCA करके कार्ड डालना है,
ऐसे निकालना है वो। हाँ,